आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शुक्रवार को कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आगरा में एक दिन में सर्वाधिक 88 केस मिले हैं, जिसके चलते संक्रमित मरीजों की संख्या 3200 पार कर गई है। आगरा में बेकाबू हो रहा कोरोना वायरस। जिले में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 5 दिन से हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। शुक्रवार को मिले 88 केस। आगरा जनपद में शुक्रवार को कोरोना केस के मामले में नया रिकॉर्ड बन गया। शुक्रवार को 88 केस मिले। 4 दिन में मिले 303 मरीज। सितंबर के महीने में कोरोना वायरस की रफ्तार बेहद ही तेज है। 4 दिन में 303 मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में संक्रमित मिलने की संख्या हुई 3200 पार। आगरा जनपद में संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से जिले में अब तक मिले मरीजों का आंकड़ा 3200 पार कर गया है। जिले में अब तक 3204 संक्रमित मरीज मिले हैं। शुक्रवार को हुई 2698 की जांच। आगरा जनपद में सितंबर के महीने में औसतन 2500 से अधिक लोगों की जांच प्रतिदिन हो रही है। शुक्रवार को 2698 लोगों की कोरोना जांच कराई गई। सितंबर में 4 दिन में 10000 से अधिक लोगों की जांच हुई है। 4 सितंबर तक 10317 लोगों की जांच हो चुकी है। जिले में अब तक लगभग 1,28,000 की जांच। आगरा जनपद में लगातार लोगों की जांच कराई जा रही है। जिले में अब तक 1,27,886 लोगों की जांच कराई जा चुकी है। आगरा में 2.5% है सैंपल पॉजिटिविटी रेट। आगरा में सैंपल पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है। जिले की पॉजिटिविटी रेट इस समय 2.51% है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।